नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको रिट एग्ज़ाम की जो कंफर्म डेट है उससे संबंधित जानकारी आपको दी थी, जो कि 11 फरवरी थी। और इसी से संबंधित कुछ विद्यार्थियों ने कॉमेंट्स के माध्यम से हमसे मुझसे कुछ सवाल पूछे थे कि डेट भी कन्फर्म है तो कन्फर्म हो चुकी है तो इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको इसके आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से लिए जाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा 11 फरवरी को संभावित, और आप इसको कन्फर्म मान के चलिए क्योंकि ये 11 फरवरी को ही होने वाली है, लेकिन अभी विभाग ने इसको फाइनल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर संभावित शब्द का यूज़ किया है न्यूज़पेपर वालों ने। रिट की अधिसूचना एक सप्ताह में, जो इसकी आवेदन की जो प्रोसेस है वो एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा रिट की अधिसूचना 10 अक्टूबर से पूर्व जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आज से 4-5 दिन शेष रह चुके हैं 10 अक्टूबर को आने में, तो उससे पहले ये सूचना जारी कर दी जाएगी। परीक्षा 11 फरवरी को ली जा सकती है। बोर्ड ने फिलहाल तारीख पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी को हिदायत दी है कि 11 फरवरी को विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के लिए खाली रखा जाए। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में आपको यही जानकारी दी थी, राज्य सरकार ने बोर्ड को तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा में फरवरी में आयोजित कराने के निर्देश दिए थे। पूर्व में परीक्षा की तैयारी कर चुके बोर्ड प्रशासन ने पिछले एक सप्ताह में सभी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत अधिसूचना लगभग तैयार हो चुकी है। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड प्रशासन एक सप्ताह में रिट के लिए अधिसूचना जारी कर देगा। तो आप 2 या 4 दिन में इससे समय जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि रिट के एग्ज़ाम की जो जिम्मेदारी है वो माशिबो को सौंपी गई है। अब जो इसके अध्यक्ष हैं बीएल चौधरी माशिबो के, उनका क्या कहना है रिट की अधिसूचना के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। रिट की अधिसूचना लगभग तैयार है, 10 अक्टूबर से पहले जारी कर दी जाएगी। परीक्षा के लिए भी 11 फरवरी 2018 संभावित है, लिहाजा ज़िला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा केंद्र सुरक्षित रखने के लिए निर्देश भेज दिए हैं। तो इस प्रकार आप इसको कंफर्म मान सकते हैं। और यहाँ पर 11 रिट एग्ज़ाम के बारे में कुछ और जानकारी और दी गई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। रिट के लिए शिक्षा बोर्ड ने पूर्व में अक्टूबर 4 फरवरी और 11 फरवरी को परीक्षा के लिए उपयुक्त माना था। बोर्ड ने इन तारीखों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भी भिजवा दिए थे। फरवरी में अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ भी आयोजित होनी हैं। बोर्ड प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को फिलहाल कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं होनी है। इसी के मद्देनज़र शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। तो एक जो महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो ये भी है कि 11 फरवरी को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो चांसेस यही बनते हैं कि इसी दिन आपका रिट का एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार इससे संबंधित आपको अपडेट देना था कि अब एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है और अधिसूचना जारी करने की डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन तन मन धन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब कोई डाउट नहीं बचा। और अगर अब कोई डाउट रहता है तो वो अधिसूचना का है और उसका डाउट भी आपका 2 या 4 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब आज से ही लगभग पर्याप्त समय है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि समय को वेस्ट ना करते हुए अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो आपकी रणनीति है उसको अब बनाएं कि हमें कैसे अपना अध्ययन जारी रखना है। और इसी तरह के अपडेट्स की सूचना आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और आपके अमूल्य सुझाव कॉमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। थैंक यू, धन्यवाद।